Welcome, students. Now let us see the next sexual transmitted disease. We discuss the sexual transmitted disease that is known as syphilis. Syphilis is a basic disease that is caused by etiology is a simple Trypanosoma palladium. It is a spirochete, a specific type of bacteria. जो क्या होता है, थ्रेड की तरह एक लंबा बैक्टीरिया होता है जो घूम घूम के चलता है. ठीक है, इसके मतलब बिल्कुल देखा जाए तो ये एक स्पाइरल मूवमेंट की तरह बनाते हुए चलता है, इसलिए इसको स्पाइरोचेट कहते हैं. इट इज स्प्रेड बाई थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. तो जैसा कि जितने भी सेक्सुअली एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनमें का ही एग्जाम्पल है. तो सिफिलिस भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है. ठीक है, बेसिकली ये क्या है, मेल्स में ज्यादा पाया जाता है फीमेल्स के कंपेरिजन में. ठीक है, तो वॉट हैपन्स कि अगर हम इसको चेक करें तो ये सिफिलिस क्या है, कि सिफिलिस जो कई कंडीशन में स्टेजेस, कई स्टेजेज होती है, जैसे कि प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, अर्ली लेटेंट स्टेज, लेट लेटेंट स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज. ठीक है, तो इन स्टेजेज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइमरी स्टेज जो है वो लगभग थ्री मंथ्स का पीरियड होता है, स्टार्टअप से लेके फर्स्ट मंथ से थ्री मंथ्स का होगा, मतलब 90 डेज का. ठीक है, सेकेंडरी जो होगा ये होगा नेक्स्ट 1 से 3 मंथ्स का होगा. ओके, फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट लेटेंट जो स्टेज है, अर्ली लेटेंट स्टेज है, वो क्या हो जाएगी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद का जो स्टेज है उससे 1 साल तक का ये रहेगा. और ठीक, इसमें कोई भी सिम्टम जल्दी अपीयर नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब लेट लेटेंट स्टेज आती है तो इसमें क्या हो जाता है कि इसके सिम्टम उस टाइम पे भी क्या है, स्लो या बिल्कुल नहीं के बराबर ही अपीयर होते हैं. ठीक है, और टर्शियरी स्टेज क्या है, ये बहुत दिनों बाद अपने आप क्या है, शो होना शुरू हो जाता है. इसमें कैसा सिम्टम शुरू होता है, नाउ लेट अस सी दैट हियर. कि इसमें देखो सिम्टम दिखाया गया है जैसे कि फिगर 1 में, कि इसमें हमने देखा है कि ये पीनस के सरफेस के ऊपर ये एक कैंकर है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. कि कैंकर मतलब कि जैसे कि आपकी स्किन सूख जाती है और पपड़ी निकलना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. इसको हम कहते हैं कैंकर्स. ठीक है, और फिगर 100 में आप देखें तो क्या है, दिस इज अ रेड टैन स्केलिंग म्यूक्यूल्स एंड पैचेस ऑफ द एब्डोमिन कॉज्ड बाय सेकेंडरी सिफिलिस. कि मगर दोबारा अगर ये चीज शोन ऑफ होती है तो सरफेस के ऊपर इस तरह से रेड रेड पैचेस चारों तरफ दिखाई देना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह से थर्ड केस में देखें कि 4 से 6 mm के डिस्टेंस पे, लगभग डायमीटर के डिस्टेंस पे आपको रेड अल्सरेशन दिखाई देंगे. कहाँ पे दिखाई देंगे, वो जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा सिफिलिस का, तो आपको ये आपकी टंग के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं. नाउ लेट अस कम दैट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ सिफिलिस पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरिंग द इनक्यूबेशन ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम दैट इज अ कॉजिटिव एजेंट, वो क्या करता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है इन्फेक्टेड कंडीशन में, और वो क्या है, वो लेसन क्रिएट करता है, लेसन घाव, जहां घाव है वहां पे घाव क्रिएट करता है. उस घाव के थ्रू क्या करेगा, सेकेंड पॉइंट द पेंटेट इन टू द म्यूकोसा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो जैसे जेनाइटल एरिया है उसके म्यूकोसा के अंदर वहां पे वो पेनिट्रेट कर जाएगा. पेनिट्रेट करने के बाद क्या होगा कि प्राइमरी सिफिलिस का कंडीशन डेवलप हो जाएगा. प्राइमरी सिफिलिस के कंडीशन में कि 10 से 90 दिन के बीच में क्या है, ये इनक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, इसका कोई सिम्टम शो नहीं होगा. ठीक है, जब प्राइमरी, उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि जब प्राइमरी सिफिलिस का सिम्टम खत्म होगा, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, उसके इंटरनल बॉडी में, बाहर तो नहीं दिखाई देगा लेकिन इंटरनल बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. जैसे क्या है, डर्मल ल्यूकोसाइट्स का, मैक्रोफेजेस का, और इसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा. ठीक है, मतलब वहां पे आपको ज्यादा कलेक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा. इन्फिल्ट्रेशन का मतलब कि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट क्या है, पर्टिकुलर एरिया पे जहां इन्फेक्शन हुआ है वहां पे ज्यादा कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये आगे चल करके पेनलेस कैंकर बनाना शुरू करेंगे. पेनलेस कैंकर मतलब कि वहां पे सरफेस के ऊपर आपको एक घाव बन जाएगा जिससे पपड़ी टाइप की बनेगी, और वो पपड़ी क्या है, उसमें पेन नहीं अवेलेबल होगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट हाईली कंटीजियस स्टेज. ठीक है, तो यहां से वो हाईली कंटीजियस होगा. उसके बाद कुछ महीनों बाद वो दैट विल कन्वर्ट, मतलब 1 to 5, 3 मंथ, उसके बाद 1 to 3 मंथ के बाद वो प्राइमरी से क्या होगा, सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो सेकेंडरी होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, स्पाइरोसाइट्स मल्टीप्लाई करता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और ये बॉडी में क्या होता है, फैलता चला जाता है. ठीक है, और फैलने के बाद क्या होता है, इसमें ढेर सारी कंडीशन डेवलप हो जाती है. जब वो फैलता है तो आपके बॉडी में फीवर, सोर थ्रॉट मतलब गले का सूखना, बुखार आना, वेट लॉस, मेलियास, एनोरोक्सिया, हेटेक, और आपका लिम्फेडोनोपैथी मतलब सेल करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि स्पाइरोचिट क्या कर जाएंगे, स्पाइरोचिट जो आपके हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे होल बॉडी में. ठीक है, और फिर जो सेकेंडरी सिफिलिस कंडीशन को छोड़ करके
नेक्स्ट कंडीशन मतलब लेट सिफिलिस लेटेंट सिफिलिस की कंडीशन में आ जाएंगे। जो लेटेंट सिफिलिस होगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये ढेर सारे में प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे एलोपैकिया का क्रिएट हो जाना, ठीक है, एलोपैकिया का मतलब कि बालों का झड़ना शुरू हो जाना, ठीक है, उनके सरफेस के ऊपर आपको स्कैल्प के ऊपर आपको ढेर सारे पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये सब सारे क्या है, ये लक्षण आपको होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखिए सारा क्या है, जो स्टेजेस है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज। इन सारे स्टेजेस के बाद क्या है, ढेर सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इट इज वेरी डेंजरस कि जब ज्यादा आपका क्या कहते हैं ये सिफिलिस, जब नेक्स्ट स्टेज में आप या कंटेजियस स्टेज में हो या आपको सिफिलिस हो गई हो, तो आपका जो एचआईवी का जो अगर साथ में एचआईवी हो जाता है तो ये आपका क्या है कि लेट अस सी हियर कि द सिफिलिस को इन्फेक्शन विद एचआईवी बिकम मोर कॉमन, कि किसी को पर्सन को अगर क्या है सिफिलिस हो गया है तो उसको एचआईवी होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी द डायग्नोसिस। इसके डायग्नोसिस के इसके तीन बेसिक मेथड है, जैसे कि हम कर लें कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी हम करते हैं इसका। दूसरा है नॉन ट्रिपोनोमल सीरोलॉजी, ठीक है, जैसे VRLDL, ठीक है, या आपका जहां जहां से क्या है आपका प्लाज्मा निकाल लिए, प्लाज्मा टेस्ट कर लिया जाए, या CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन किया जाए, तो ये कहलाता है नॉन ट्रिपोनोमल सीरोलॉजी। एंड थर्ड इज द ट्रिपोनोमल सीरोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्रिपोनोमल एंटीबॉडीज, मतलब बेसिकली क्या करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का ऐसे करते हैं, ठीक है, हम निकालते हैं, देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ हम क्या करते हैं जो आपका स्मियर निकाला है उस स्मियर को उसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, देखते हैं कि वो बाइंड अप हो रहा है या बाइंड अप नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक्स फॉर वीडियो।